Hello everyone, welcome to another fantasy match preview. No, you've not tuned into the wrong one. This is actually for the Punjab versus Mumbai game, but just wanted to give you a short reminder. Ensure that you check out the Rario app because it's a big day. There's a 5 lakh first prize and 80 lakhs total reward pool for the Lucknow versus Chennai game. So if you're watching it before the game, ensure you sign up with the link in the description. Aapko mil jayenge 1600 sign up bonus and saath saath 50% discount apne pehle pack par. And ab chalte hain aaj ke fantasy preview ke saath. आज हमारे साथ निखिल भाई. निखिल भाई, हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम टुडे? अगेन यू आर ऑन म्यूट सर. हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सॉरी, जस्ट फील्स लाइक म्यूट इज द फीचर ऑफ द डे, पर या होपफुली वी कैन कीप बैकिंग आवर विजुलाइजेशन. गेम डिसेंट गई है, थोड़े प्लेयर्स यहाँ वहाँ होते तो बहुत अच्छा होता. कुछ सेकंड्स बहुत बढ़िया गई हैं, तो लेट्स कीप ट्राइंग. यस, एब्सोल्युटली, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अप विद द वेन्यू कंडीशंस फॉर द बिग गेम. सो गेम खेला जाएगा आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली. एंड लाइक यू नो एट दिस ग्राउंड बहुत सारे रन बने अब तक. नॉट दैट टाइम जहां पे पहले वो फ्लैट वो पिचेस होती थी जहाँ पे थोड़ा लाइव ग्रास होता था. नाउ इट्स लॉट ऑफ रन. लास्ट गेम वाज ऑलमोस्ट द हाईएस्ट एवर आईपीएल स्कोर. सो 250 प्लस इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रन हियर. एंड व्हाट डू यू थिंक निखिल भाई, इज दिस द गेम टू गो विद 5 बैटर्स? यू कैन, पर जैसे हम दोनों हैं मुझे लगता नहीं हम 5 बैटर्स सिलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि इंस्टिंक्ट है हमारा कि भाई ऑलराउंडर ले लो, थोड़ी जान बचाएगा. तो आई थिंक वो कंटिन्यू होगा. इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऐसे प्लेयर लें जो, अगेन जैसे हम बार बार कहते हैं, मल्टी प्लेयर्स, मल्टी फैसेटेड हो, मल्टी डिमेंशनल हो. तो कैम ग्रीन, साइम करन, टिम डेविड, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं विथ कैचेस, विथ सिक्सेस, क्योंकि ये सिक्स हिटिंग ग्राउंड है. तो आपको आपकी टीम्स वैसे भरनी है. और यहाँ पे इट इज ऑल्सो गुड टू ट्राई बैटर्स हु आर आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि बट इट इज जस्ट दे विल जस्ट नीड दैट फर्स्ट फेज. पहले 10-15 बार अच्छा खेल लिया तो फिर यहाँ पे ईशान किशन, रोहित शर्मा, एवरीबडी कैन स्कोर, बट इट इज जस्ट गेटिंग थ्रू दैट न्यू बॉल. यस, एब्सोल्युटली, न्यू बॉल होगा क्रूशियल फेज. तो चलते हैं बेस टीम की तरफ. एंड स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट विद द कीपिंग सेक्शन, जहां किशन इज क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस. फॉर्म पे तो नहीं कहूंगा, बट फॉर्म पे जितेश शर्मा को आप मे बी पिक कर सकते हो. बट बेस्ड ऑन बैटिंग पोजीशन शर्मा को अपॉर्चुनिटी काफी कम मिल रही है. बट एक्स टीम है मुंबई, उनकी क्या पता मिल जाए उनको चांस इस टीम के सामने. वाइल बैटिंग में हम जा रहे हैं सूर्या, शिखर एंड तिलक वर्मा के साथ. अगेन फॉर्म बेस्ड पिक्स. वापस एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब अच्छी बैटिंग ट्रैक होती है तब जो अच्छे बैटर्स लो आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी वहां और कम मिल जाती है. तो टिम डेविड, जितेश शर्मा, वेरी टेम्पटिंग चॉइसेस ऑन दिस ट्रैक, बट कितने बॉल मिलेंगे उनको, ये सवाल है मेन, जिसके ऊपर आप उनको पिक या ड्रॉप कर सकते हो. निखिल भाई, एनी अदर टेम्पटिंग पिक्स फॉर यू फ्रॉम दिस सेक्शन? जैसे मैं बार बार कहता हूँ, टू टीम्स बेस्ट प्लॉयस ऑन सच डेक्स. एक में तिलक को, एक में किशन को निकाल के जितेश को लो, तिलक को निकाल के टिम डेविड को लो, दूसरे में किशन को निकाल के जितेश और रोहित को ले लो. तो अगेन यू हैव टू गो विथ मिक्स एंड मैच बेस्ड ऑन योर गट फील, क्योंकि तिलक को भी अगर आप पंजाब का प्रीवियस गेम देखें तो बहुत लेट आए थे वो. उसके पहले टिम डेविड आ गए थे. तो वो कॉल आपको लेना पड़ेगा कि अगर लग रहा है कि नहीं तिलक वर्मा का बैटिंग पोजिशन ऊपर नीचे होगा, बट डेविड की बैटिंग जरूर आएगी वाइल बैटिंग फर्स्ट, तो फिर आप टिम डेविड को. सो यू कैन इजिली गो विद हूएवर यू वॉन्ट टू. ऑप्शन बहुत सारे हैं. रोहित का भी अच्छा नॉक आएगा, ही इज लुक्ड ओके, ही इज नॉट प्लेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट नॉक. तो यही है कि सैम, अर्शदीप रबाडा को अगर शुरू में दोनों खेल जाते हैं किशन और रोहित, तो दे कुड ले अ मैसिव प्लेटफॉर्म. फिर बाद में बैटिंग ऑर्डर फिर से चेंज हो जाएगा सबका. तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड फिर वैसे आप टीम बनाओ. यस, एब्सोल्युटली. एंड एक और बड़ी बात टू रिमेंबर, नाउ दैट हम सूर्या एंड रोहित की बात कर ही रहे हैं, दे हैव अ बिग मैचअप अगेंस्ट रबाडा. स्ट्राइक रेट ऑफ अबाउट 140 एंड रोहित आई थिंक 3 बार आउट हो चुके हैं एंड रबाडा 2, और दी अदर वे अराउंड इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली. नो, रबाडा, सूर्या, हां, स्काई 2 बार आउट हो गया, रबाडा 2 बार कैसे आउट हो गया? हाँ, सॉरी, स्काई 2 बार आउट हो गया. सो दैट इज द मैचअप. एंड कीप इन माइंड कि एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये ट्रैक पर क्या ये मैचअप उतना एक्टिवेट होगा, दैट इज द की क्वेश्चन टू आंसर. क्योंकि
हमने देखा वो लास्ट गेम में विंड और अवाडा को विकेट्स मिले, इट वाज मोर आउट ऑफ द बैटर्स मिस्टेक देन द पिच गिविंग हिम हेल्प, सो वो बात जरूर ध्यान रखिएगा। एंड सिमिलरली एक और मैचअप है जहां चावला जी धवन जी को 2 बार आउट कर चुके हैं, बट वापस स्ट्राइक रेट इज इन 160, सो लॉट ऑफ रन इन देयर, सो टोटली डिपेंड ऑन द पिच। अगर लग रहा है कि पिच थोड़ा वेयर आउट हो गया है, फ्रेश ट्रैक नहीं है, सो इन दैट केस मे बी दिस मैचअप एक्टिवेट, बट मे बी दिस इज नॉट द गेम वेयर यू वॉन्ट टू रीड इन टू द मैचअप टू मच, क्योंकि फ्लैट बैटिंग ट्रैक है। एंड इन द ऑलराउंडर्स हम गए कैम ग्रीन, सैम करिन, सिकंदर राजा एंड लीम लिविंगस्टन के साथ। सिकंदर राजा को काफी बैक कर रहे हैं पंजाब, एटलीस्ट व्हेन ही इज प्लेइंग, वो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं लास्ट कुछ गेम से, सो हेंस एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। व्हाइल बॉलिंग में वी हैव यार गॉन विद द देयर इज अ रेगुलर। ऑप्शन कि उससे बॉलिंग भी करवा लें बीच बीच में, क्योंकि किशन है और वो राइटिस को भी डिसेंट डालते हैं और वो कैचेस भी बहुत पकड़ते हैं। तो अगेन यूसेज के ऊपर है, अगर आपको लगता है नहीं इतना यूज होगा, यू कैन गो बैक एंड टेक अ बैटर। यस एब्सोल्युटली, व्हाइल बॉलिंग में हम रेगुलर सस्पेक्ट्स के साथ ही गए, वी हैव गॉन विद पीयूष चावला, हर्षदीप सिंह एंड कगिजो रबाडा, तो ज्यादा कुछ मैच नहीं किया इस सेक्शन में। ऑब्वियसली काफी पिक्स है जिनको आप ट्राई कर सकते हो, जिनको हम जीएल सेक्शन में भी कवर करेंगे। व्हाइल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन प्रिटी ऑब्वियस, वी हैव गॉन विद सैम करन एंड कैमरन ग्रीन, दोनों बैट और बॉल से वैल्यू दे रहे हैं, ऐसे ट्रैक पे एटलीस्ट बेस टीम में कोई डिफरेंशियल के साथ छेड़खानी करके ज्यादा कुछ नहीं मतलब मिलेगा, हेंस हम करेक्ट उनके साथ करेक्ट ही गए। सो बिल्कुल। अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शन की तरफ। पहले गो फॉर इट। आप मेरे ग्रैंड लीग चॉइसेस ये गेम में तो काफी हैं एक्चुअली, सब मतलब राइली मेरेडिथ, टिम डेविड, बट थोड़ा बेस्ड ऑन द सिचुएशन बता देता हूँ आपको। अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है यू कैन गो विद टिम डेविड, वाइल इफ मुंबई बोल फर्स्ट देन आप राइली मेरेडिथ के साथ जा सकते हो। एक्स पंजाब प्लेयर हैं, काफी कुछ जानते हैं इन कंडीशन को, ऑब्वियसली इतना नहीं जानते होंगे एज काफी गेम्स वहां पर हुए नहीं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट मुझे लग रहा है कि जो पंजाब की मिडिल ऑर्डर एंड टॉप ऑर्डर है वहां पे काफी इनएक्सपीरियंस बैटर्स हैं, तो पेस से वो रैटल हो सकते हैं, एंड वो रायली मेरेडिथ के पास एक एक्स फैक्टर है। व्हाइल व्हेन यू लुक एट पंजाब साइड ऑफ थिंग्स, यहाँ पे राहुल चहर हैं, जो हमने देखा है कि यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग में बहुत सारे रन बनते हैं, एंड व्हेन यू कम डाउन टू चेजिंग दैट स्कोर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्योंकि इतने ज्यादा रन है, एज गुड एज द ट्रैक इज, यू स्टिल हैव टू चेज दोस रन डाउन, वो प्रेशर फिर भी रहता है टू स्कोर एट 10-11, एंड उसमें आप विकेट गवाते हो, एंड चहर का अब तक वो गेम ड्यू है, तो मुझे लग रहा है अगर वो सेकेंड बॉलिंग करेंगे तो वो एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। बिल्कुल फेयर कॉल है। आई थिंक मेरे एक जो पिक है वो ऑफकोर्स कंडीशनल इसके लिए कि अगर वो खेलते हैं जोफ्रा आर्चर, तो मैं डेफिनेटली उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करूंगा, क्योंकि आई थिंक हिज हैड बहुत ज़्यादा गेम्स हो गए और आपने वो जोफ्रा का जोफ्रा आर्चर वाला रूप नहीं देखा, तो और उनको विकेट्स मिलेंगे तो 2-3 मिलेंगे एक साथ, और ये लाइनअप भी ऐसी है कि चल गई तो चल गई, नहीं चली तो 3-4 विकेट दे सकती किसी को भी। तो जोफ्रा आर्चर एक बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है। इसके अलावा सेफ जाने तो पीयूष चावला जी भी डिसेंट ऑप्शन है, और 2 विकेट का भी आपको बैंक मिलता है अगर, तो दैट इज ऑल्सो डिसेंट बैंक ऑन अ सरफेस लाइक मोहाली, और चावला पंजाब के ही हैं, मतलब ही प्लेड फॉर इंग्लैंड पंजाब, वेन्यू भी काफी अच्छे से जानते हैं, तो वेरी गुड ऑप्शन टू ट्राई। पंजाब के ऑप्शन से अगर आप देखें तो आई एम टेम्पटेड टू गो हरदीप सिंह, बट फिर वैसे हो जाएगा कि आप वापस 2 बॉलर के साथ जा रहे हो, पर आई थिंक ये गेम में, पिछले भी गेम में आप देखें तो पहला ओवर बहुत एक्सपेंसिव था हर्षदीप का, तो वो ये दोनों ऐसे प्लेयर नहीं है जो ज्यादा टाइम्स दे गो सो मच ऑफ द मार्क, तो इन दैट सेंस आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू गेट बैक टू देयर बेस्ट, तो मैं उन 2 ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ जो 4-4 ओवर डालने चाहिए, तो हर्षदीप और जोफ्रा आर्चर, बट इफ यू वॉन्ट अ सेफर ऑप्शन फॉर पंजाब तो लियाम लिविंगस्टन और सिकंदर राजा तो है ही फॉर यू टू ट्राई, तो जस्ट ट्राइंग टू कवर मोर बेसिस, वन फ्रॉम द बेस्ट टीम एंड वन दैट स्लाइटली रिस्कियर ऑप्शन। यस एब्सोल्युटली, तो ये हो गए आपके इस गेम के जीएल ऑप्शंस, एंड अब चलते हैं एक्सचेंज 22 के पिक्स की तरफ इस गेम के लिए। सो वी विल स्टार्ट विथ द पंजाब साइड ऑफ थिंग्स सर, एंड क्या लगता है आपको इस साइड से कौन हो सकते हैं कुछ क्वालिटी पिक्स? आई विल स्टार्ट विथ शाहरुख खान, आई थिंक एट 17 जिस पोजीशन में फील्डिंग करते हैं प्लस फर्स्ट बैटिंग में अच्छा मौका बन सकता है विद द बैट टू। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैं हर्षदीप को तो डेफिनेटली बैक करूंगा, राहुल चेहर को भी बैक करूंगा, अगर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं जैसे आपने कहा विकेट अगर अच्छा है, रन बन गए, तो राहुल चेहर कैन कम इन एंड गेट द विकेट्स ऑफ
मिस्टेक्स ऑल्सो, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो अर्शदीप, राहुल चेयर, सिकंदर अजा भी डिसेंटली प्राइस एंड है बैटिंग 30 वन पे। डाउन। हाँ तो ऑप्शंस है आपके पास टू ट्राई हिम आउट। फिर बाकी तो देखो शिखर है ही, और जितेश ऑल्सो है 28 इज डिसेंट अगर आपको लगता है कि उसकी बैटिंग आ जाएगी, क्योंकि ही इज अ सिक्स मतलब बाउंड्री हिटर है, तो यू हैव टू एक्सपेक्ट हिम टू गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ एंड टाइम कीपिंग भी करेंगे। एंड कीपिंग में। तो 30 रन मार देते हैं तो आपका वैल्यू फॉर मनी तो वैसे ही आ गया, उसके ऊपर का बोनस अलग। तो अगेन यू हैव टू थिंक वेरी स्पेसिफिकली। और इफ यू कम टू द बॉम्बे साइड ऑफ थिंग्स, पीयूष चावला है 28 पे, डिसेंट ऑप्शन। रायली मेरेडिथ बहुत बढ़िया है। अर्शद खान, अगर वो वापस से एंडोज में डालने वाले हैं तो बहुत टेम्पटिंग पिक है एट 19, पर अभी हमें पता नहीं है कि वो डालेंगे कि नहीं। तो अगर थोड़ा रिस्की। ऐसा लगता है, हिंट आता है कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है, तो आप उनको ट्राई करते हो। यू कैन ट्राई कुमार कार्तिक एज वेल एट 20, इज वेरी डिसेंटली प्राइस्ड। इफ इज ऑल यू हैव टू बी श्योर इज के ये लोग 3 से 4 ओवर डालें, अगर वो बेस्ड ऑन द आपको प्लेइंग इलेवन। हाँ बेस्ड ऑन द प्लेइंग 11 जितने ऑप्शंस हैं, अगर ये लोग कर रहे हैं बोलिंग तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दे शुड गिव यू रिटर्न एटलीस्ट। यस एब्सोल्युटली। सो दोज आर द एक्सचेंज 22 पिक्स फॉर टुडे। ऑब्वियसली देयर इज अनदर फिनिशर हियर इन टिम डेविड एट 24। मतलब 24 पे 3 छक्के मार देंगे तो काम हो जाएगा, जो जेसन होल्डर को उन्होंने 3 बॉल में ही मार दिया था लास्ट टाइम। तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं इस सेक्शन से। तो ये हो गया हमारे एक्सचेंज 22 पिक्स के लिए, पिक्स इस गेम के लिए। एंड याद रखना, एक्सचेंज 22 पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप ₹50 आपको मिल जाएगा रियल कैश जस्ट बाय कंप्लीटिंग योर KYC। ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड ये वो हमारा आज का प्रीव्यू। रिमेंबर दैट दिस गेम माइट बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। एंड इफ यू एंजॉयड द कॉन्टेंट, डू स्मैश द लाइक बटन। वी विल सी यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वन। Yes, please invest smartly, play responsibly. See you soon.